नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी का जो अध्याय है 13वां, ये 12वां नहीं है, 13वां अध्याय है। ये 13वें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये हमारी कक्षा 10 की अनिवार्य हिंदी क्षितिज जो है ना, उसका भाग है, जो गद्याखंड है उसका अध्याय 13वां है, उसका भाग एक महावीर प्रसाद द्विवेदी का भाग एक हम अध्ययन कर रहे हैं आज। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1864 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1938 में हुई थी। इनका जो जीवन परिचय है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गाँव में हुआ था, और दौलतपुर गांव में सन 1864 में हुआ। इनके पिता पंडित राम साहेब दुबे कन्याकुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। अब देखिए 1903 से 1920 तक जो सरस्वती पत्रिका थी उसके संपादन से जुड़े रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और 1938 में महावीर प्रसाद जी का निधन हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वे एक प्रखर व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभर कर सामने आई हैं। अब देखिए बहुमुखी प्रतिभा में कवि भी थे, ये समालोचक भी थे, निबंधकार भी थे, संपादक भी थे, भाषा वैज्ञानिक भी थे, इतिहासकार थे, अर्थशास्त्री थे, आदि विविध रूपों में ये उभर कर सामने आई हैं। आपने 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक रहते हुए हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। अब देखिए 1903 से लेकर 1920 तक यह सरस्वती का संपादन किया इन्होंने, सरस्वती जो पत्रिका थी, और उसमें भी इन्होंने हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के जो नियम है वो स्थिर करके हिंदी गद्य की जो भाषा है उसका परिष्कार का मतलब होता है शुद्ध करना, जो कमियाँ थी उनको दूर किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। अब द्विवेदी जो हैं, द्विवेदी युग जो प्रारंभ हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रारंभ किया गया। तो अपने जो समकालीन थे, उस समय के जो कवि थे और जो लेखक थे, उनका साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान, जिसको सुधार काल कहा जाता है, को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जा सकता है। अब देखिए जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसका जो सुधार काल था या द्वितीय उत्थान का जो काल था, उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक एवं विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन तथा रूढ़ियों का विरोध किया। अब द्विवेदी जी जो हैं, उन्होंने भारतीय जो जातीय परंपरा थी समालोचन दृष्टि से, यानी कि ऐसे नहीं कि सिर्फ उनकी बुराइयां ही देखी हैं, अच्छाइयां भी देखी हैं, समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक एवं विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन किया, और जो रूढ़ियां थी उनका विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता एवं परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं। अब इनके लेखन के अंदर सरलता थी, सुबोधता थी, और साथ ही साथ परिनिष्ठता के गुण जो वो झलकते हैं। इनकी जो रचनाएँ हैं, जो मौलिक रचनाएँ हैं जो इन्होंने स्वयं ने लिखी हैं, अब देखिए मौलिक और अनुदित दो प्रकार की रचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं, लिखा हुआ है कि एक तो मौलिक रचनाएं हैं और एक है अनुदित रचनाएं। अब ये मौलिक रचनाएं कौन सी होती हैं और अनुदित कौन सी होती हैं, क्या बता सकते हैं आप? तो ठीक है, चलते हैं, इसमें बताता हूँ मैं आपको कि मौलिक रचनाएँ जो होती हैं, जो मूल रूप से जो लेखक है स्वयं लिखता है, उसकी स्वयं की जो बुद्धि कह सकते हैं, जो विवेक है, तो उसके आधार पे जो उसने लिखा है, अनुभव के आधार पे कह सकते हैं लिखा है, तो
तो वे मौलिक रचनाएं होती हैं, मूल रचना जिसको अपने कहते हैं, लेखक स्वयं द्वारा लिखी जाती हैं। और जो अनुदित रचनाएं होती हैं वो लिखी तो किसी और नहीं है लेकिन उसका अनुवाद जो है वो किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी अन्य भाषा में लिखी, अंग्रेजी में लिखी और उसका अनुवाद कर दिया हिंदी के अंदर, तो वो अनुदित रचना हो जाएगी, यानी कि लिखी किसी और नहीं है लेकिन उसका रूपांतरण जब कर दिया जाता है किसी और के द्वारा तो वह अनुदित रचना कहलाती है। तो अब इनकी जो मौलिक रचनाएं थी जो स्वयं इन्होंने लिखी हैं वो है काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कन्याकुवज, कविता कलाप जो कि काव्य हैं, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर जो कि इनका गद्य है। अब जो अनुदित रचनाएं हैं जो अन्य भाषाओं से कह सकते हैं, अन्य कवियों या लेखकों द्वारा लिखी गई हैं और उनका इन्होंने गद्य भाषा में या पद्य भाषा में रूपांतरण किया है वो है अनुदित रचनाएं। पहला है इसमें दिया हो विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिनी जो पद्य हैं, भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संहार, बेकन विचार, रत्नावली, स्वाधीनता। अब ये स्वाधीनता गद्य है तो ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। तो पाठ परिचय यानी कि जो हम पाठ पढ़ेंगे तो उसमें जो लेखक है वो क्या बताना चाहता है, क्योंकि जो मूल भाव है वो पाठ परिचय के अंतर्गत ही आता है, तो इसलिए हम जो हैं वो अध्ययन कर रहे हैं पहले जो पाठ परिचय है उसके माध्यम से, जो मूल भाव अपने प्रश्न में भी आता है कई बार कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो पाठ है तो उसका मूल भाव क्या है, यानी कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, उसका मूल भाव लिखिए। तो मूल भाव ही जो है वो पाठ परिचय ही है, मूल भाव और पाठ परिचय वो एक ही है। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं पहले पाठ परिचय इसका कि प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। अब ये जो निबंध यहाँ पे लिया गया है ना, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, तो वो महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले ये जो निबंध है वो सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और इसका जो शीर्षक है वो अलग था, वो था पढ़े लिखों का पांडित्य। अब ये नया शीर्षक इसमें दिया हुआ है कि पढ़े लिखों का पांडित्य, ठीक है ना, लेकिन बाद में जो इसका शीर्षक दिया वो अलग हो गया। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही हैं। अब ये स्त्रियों के बारे में बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सरकारी सेवा हो जाए, निजी क्षेत्र हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, सभी क्षेत्रों में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन इस स्थिति में पहुँचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अब ये आज हम जो स्थिति देख रहे हैं स्त्रियों की, पहले ऐसी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में स्त्री शिक्षा के पक्षधर जो सुधारक थे, जो पुरुष प्रधान थे और जो रूढ़िवादी समाज है, तो स्त्री शिक्षा के जो पक्षधर थे ऐसे सुधारकों को पुरुष प्रधान समाज में और रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा था, तो आज की स्थिति उभर कर सामने आई है। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी सोच को अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। अब देखिए ये जो निबंध है इसमें स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी सोच को अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। इसमें कहा गया कि स्त्री जो शिक्षा अगर शिक्षित हो गई तो समाज व परिवार का विघटन हो जाएगा, पतन हो जाएगा, और ऐसी जो दकियानुसी जो सोच है यानी कि पुरानी जो सोच है उसके अकाट्य तर्कों, जिसके तर्कों को काटा नहीं जा सकता, उसको सिरे से ये खारिज करता है ये निबंध। साथ ही इसमें इन दकियानुसी एवं अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात कही गई है। अब इसमें दकियानुसी यानी कि पुरानी कह सकते हैं, अप्रासंगिक जिसका कोई महत्व ही नहीं है किसी अर्थ में, ऐसी परंपराएँ
और उसका अंधा अनुकरण करने के बजाय विवेक सम्मत और तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की इस बात इसमें कही गई है। इनकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है। वानगी का मतलब एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है इसमें। तो स्त्री शिक्षा के जो विरोधी कुतर्क हैं उनका खंडन, जो हमारा मूल पाठ है जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं उसकी ओर, जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। बड़े शोक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण मानते हैं। अब देखिए, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग काफ़ी मिल जाएंगे जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं, कि उनके सुख का नाश होगा और साथ ही घर के जो सुख है वो नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है। अब इसमें लेखक कहते हैं कि जो इसका विरोध करने वाले लोग हैं ना, वो कोई ऐसे वैसे नहीं है, लेकिन सुशिक्षित लोग हैं ऐसे, और बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में उन्होंने शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। अब देखिए, जो विद्वान लोग हैं वे ही ऐसा कर रहे हैं कि अगर स्त्रियों को पढ़ा दिया तो घर के सुख का नाश हो जाएगा, है ना, और उनके जो सुख है वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये तर्क जो हैं, तर्क नहीं कुतर्क हैं ये। तो अब देखिए, लेखक ने कहा है कि उनकी दलीलें सुनिए। दलील मतलब जो उन्होंने तर्क दिए हैं। पहला तो है कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों में से अपढ़ों की भाषा में बात कराई गई है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी। अब देखिए कैसे बता रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था पहले। तो हमारे जो कवि हैं, जो नाटक हम पढ़ते हैं या देखते हैं, तो उनके अंदर भी कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें करवाई जाती थी। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी। होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। अब देखिए, पहला तर्क तो ये कि ऐतिहासिक जो पुराण हैं, जो इतिहास है या पुराण हैं, उनमें स्त्रियों को पढ़ाने की कोई नियमबद्ध प्रणाली अवश्य मिलती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। और दूसरा इसमें दिया कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। अब देखिए क्या तर्क दे रहे हैं ऐसे। अब इनको हम तर्क नहीं कह रहे बल्कि कुतर्क कह रहे हैं, बुरे तर्क कह रहे हैं, क्योंकि खिलाफत कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं स्त्री शिक्षा का। अब देखिए दूसरा तर्क इन्होंने क्या दिया, दलील क्या दी है। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। तिस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। अब देखिए किस प्रकार से शकुंतला का उदाहरण दिया कि शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी और गवारों की भाषा में एक श्लोक लिखवाया उसे, कि श्लोक लिखा था और उस पर भी शिक्षा, जो कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। अब कैसे कि शकुंतला ने जो दुष्यंत है उसको कटु वाक्य कहे और यह उसकी पढ़ाई का दुष्परिणाम था, कि पढ़ी लिखी थी तभी उसका विरोध किया दुष्यंत का। और तीसरा तर्क क्या दे रहे हैं, वो तीसरा तर्क दे रहे हैं कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी, यानी कि जो पढ़ते नहीं है ना उनकी भाषा में लिखा है ये, अतः नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गुवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। अगर अपढ़ है ना और जो गुवार है उनकी भाषा भी अगर पढ़ा दी जाए स्त्रियों को, तो वो भी बर्बाद करने लायक है। ये तर्क दिए हैं। फिर इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार। तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं, तब भी हम दो चार बातें लिख ही देते हैं। तो नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अब प्राकृत जो है, संस्कृत के बाद में प्राकृत अपभ्रंश इस प्रकार से जो है विकृत रूप चला आ रहा है, उसके बाद में हमारी जो हिंदी है वह हमारे सामने आई है। तो नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। अब इसमें लेखक कहते हैं कि उनको केवल प्राकृत बोलने से अपढ़ होने का प्रमाण नहीं कह सकते हम, अधिक से अधिक इतना कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोलती थी।
संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गवार होने का। अच्छा तो उत्तर रामचरितमानस में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियाँ कौन सी भाषा बोलती थीं? अब देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं लेखक इसमें उन शिक्षाचार्यों से, उन विद्वानों से जिन्होंने हमें ऊपर वो तीन तर्क दिए थे कि पढ़ाना नहीं चाहिए, इससे घर की सुख शांति समाप्त होती है ना, तरह तरह के तर्क दिए हैं उसमें। तो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं लेखक कि अच्छा तो बताइए कि उत्तर रामचरितमानस के अंदर जो ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियाँ जो थी वो कौन सी भाषा बोलती थी, उनकी संस्कृत क्या कोई गवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। अब जो भवभूति हैं और कालिदास के जो नाटक हैं और जिस जमाने में लिखे गए हैं, तो उस समय जो शिक्षितों का जो समस्त समुदाय है वो संस्कृत ही बोलता था, इसका प्रमाण पहले कोई दे लें तब प्राकृत बोलने वाली स्त्री को अपड़ बताने का साहस करें। अब लेखक कह रहे हैं कि अगर कालिदास या भवभूति ने जो नाटक लिखी हैं तो उसके अंदर अगर कोई शिक्षित समुदाय संपूर्ण ही संस्कृत बोलता था तो वो प्रमाण दे दें हमें, तो ही हम प्राकृत बोलने वाले को अपड़ समझ सकते हैं, कह सकते हैं। इसका क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी? अब क्या सबूत है कि उस समय बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी? सबूत तो प्राकृत के चरण के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते हैं? और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों उपदेश देते हैं? अब देखिए लेखक उनके जो हैं जो तर्क दिए गए थे तो उनको काट रहा है, काट्य प्रस्तुत कर रहा है। कहते हैं कि प्राकृत जो उस समय आम बोलचाल की भाषा थी, प्रचलित भाषा थी, तभी तो बौद्धों ने, जैन जो हैं उन्होंने हजारों ग्रंथ लिखे हैं, और जो भगवान शाक्य मुनि हैं या उनके चेले हैं उन्होंने प्राकृत में उपदेश दिए हैं। अगर नहीं था तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अब लेखक कहते हैं कि प्राकृत जो है उस समय की जनसाधारण भाषा थी, सर्वसाधारण भाषा थी, ऐसे प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ऐसा प्रमाण कहीं नहीं मिलता कि प्राकृत जो है उस समय जो है बोली नहीं जाती थी या पढ़ों द्वारा बोली जाती थी, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है वहाँ पे। अतः प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गवार कहा जा सकता है। अब देखिए लेखक कहते हैं कि जिन विद्वानों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ जो प्राकृत में बनाए हैं या जो लिखे हैं, वे यदि अपढ़ और गवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध जो अखबार का संपादक है इस जमाने में अपढ़ और गवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएँ आजकल की प्राकृत हैं। सोरसैनी, मागधी, महाराष्ट्रीय और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थीं। अब देखिए हिंदी, बांग्ला जो भाषाएं हैं आजकल की प्राकृत भाषाएं हैं ये, ठीक है ना। जिस समय वो आम बोलचाल की भाषा थी ना, तो आज की बोलचाल की जो भाषा वो हिंदी है, बांग्ला है। सोरसैनी, मागधी, महाराष्ट्रीय और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थीं। अब ये जो भाषाएं पहले बोली जाती थी तो इनको प्राकृत माना गया उस समय। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हो सकते हैं। अब देखिए उस समय क्या और इस समय का जो इसमें सामंजस्य करने का जो तुलना इसमें की गई है लेखक द्वारा कि अगर प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह आज जो है हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएँ पढ़कर इस जमाने में हो सकते हैं, फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? कि जो प्राकृत है बोलना या पढ़ना अपढ़ होने का सबूत है, यह कैसे कहा जा सकता है? जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। अब देखिए लेखक बता रहा है, कह रहा है इसमें कि जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी।
चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। अब ऐसे नहीं कि सभी संस्कृत बोलते थे। जब नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए गए हैं तो उस समय कुछ लोग ही जो हैं वो संस्कृत बोल पाते थे या बोलते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। अब देखिए, जो पढ़े लिखे थे, जो जानते थे संस्कृत बोलना, तो उनकी भाषा तो संस्कृत रख दी, और जो दूसरे लोग थे या जो स्त्रियाँ थीं उनकी भाषा प्राकृत रखने का नियम बना दिया। तो इस प्रकार से ये प्राकृत जो है वो कोई ऐपड़ की या गुवारों की भाषा नहीं है, बल्कि उस समय की बोलचाल की भाषा है, ऐसा प्रमाणित किया है इसमें लेखक ने। तो ये था हमारा जो अध्याय है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, उसके भाग एक का आज हमने अध्ययन किया है, जिसमें शिक्षाविद जो कह सकते हैं अपने धर्माचार्य कह सकते हैं, उन्होंने किस प्रकार से दलीलें दी हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना हर प्रकार से समाज के लिए, परिवार के लिए घातक है। तो ऐसे तर्क दिए हैं, लेकिन बाद में लेखक ने इन्हीं तर्कों का खंडन किया है, तो जिसमें से कुछ का हमने अध्ययन किया है, और भाग दो में जो आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें किस प्रकार से वो इन स्त्री शिक्षा के जो विरोधी कुतर्क हैं उनका खंडन किस प्रकार से कर रहे हैं, और किस प्रकार से वे अपने जो साक्ष्य हैं वो प्रस्तुत करते हैं, उसका जो अध्ययन है हम आगे भाग दो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।